अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है आप सबको? हेलो, नींद यस सर। भी शेयर हो रही है? अच्छा, एक बात बताया मुझे बेटा, सेकंड ईयर में आज कोई नया एडमिशन है? एक से बच्चे ने क्लास ली है? महनूर रिमशा बेटा, कोई नया बच्चा है जिसने सेकंड ईयर में क्लास ली है? ठीक, नो सर। चलिए एक आध मिनट देते हैं, ये ज्वाइन कर लें तो फिर हम अपना लेक्चर जो है उसे स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा हम पढ़ रहे हैं 16, और 16 चैप्टर के अंदर हमने स्टडी किया है हाइड्रोकार्बन्स को। आज अगर हम बात करें तो बेटा डेट है 19 अगस्त, और लेक्चर बाय काउंटिंग ये हमारे पास 33 हमारे पास लेक्चर बनता है। इसमें हम पढ़ना क्या चाहते हैं? हम प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन्स की बात करेंगे, हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स की बात करेंगे, हम एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स जो है इस चीज़ को बेटा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेटा प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन। प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन, अच्छा जी, इसमें हम जो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं वो है हमारे पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड्स। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाई हेलाइड्स, कि हम बेटा डाई हेलाइड्स की क्या करते हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करते हैं और हम प्रोड्यूस कर लेते हैं किस चीज़ को, अल्काइन्स को। तो पहले अगर हम बेटा इसे डिटेल से देखें तो मैंने बताया था कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ऐसे रिएक्शन जिसमें आप हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करें, इन्हें हम कहते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। अच्छा जी, अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है बेटा जी स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग बेस बेटा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे कि आप ले सकते हैं पहला KOH इन अल्कोहल, ये बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है। सेकंड आप ये ले सकते हैं बेटा जी सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल, ये भी हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस है। थर्ड बेटा आप बात कर सकते हैं सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया यानी लिक्विड NH3 में। तो ये जो तीनों एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने, ये बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस तो हम किसके तौर पर यूज़ करते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए। फैजान बेटा आपने अपनी क्लास में ज्वाइन होना होता है 9th में, ये सेकंड ईयर की क्लास है जहाँ पर आप इंटर हो गए हो। आप अपनी क्लास में जो लिंक है वहाँ पर प्रॉपर जाकर क्लास पढ़ें। अच्छा जी, अब रिमूवल ऑफ HX को हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। स्ट्रॉन्ग बेस इसके लिए क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है।
अब जो हम डाई हेलाइट्स यूज कर सकते हैं, डाई हेलाइट्स मे बी विसिनल और जेमिनल, कि जो डाई हेलाइट्स हैं वो विसिनल भी हो सकते हैं और जेमिनल भी हो सकते हैं। कि विसिनल जिनमें एडजेसेंट पोजीशन हो, जैसे 1-2 पोजीशन पर कोई आपके पास अटैच है, 2-3 पे अटैच है, 3-4 पे अटैच है, ऐसी पोजीशंस विसिनल होती हैं। जेमिनल 1-1 पे अटैच हो, 2-2 पे अटैच हो, 3-3 पे अटैच हो, 4-4 पे अटैच हो। अगर अल्काइल हेलाइड्स एडजेसेंट पोजीशंस पर हो तो उसे कहते हैं विसिनल डाई हेलाइड्स, और अगर वो सेम पोजीशन पर आ जाएं तो उसे कहते हैं जेमिनल डाई हेलाइड्स। पहले यहाँ पर बेटा मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ किससे, विसिनल डाई हेलाइड से। है बेटा बड़ा सिंपल हमारे पास रिएक्शन, कोई किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर बेटा प्रेजेंट नहीं है। कैसे हम बात करते हैं, जैसे बेटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सपोज हमारे पास है CH, यहाँ पर भी मैंने लिखा CH, इसके साथ मैंने BR दो अटैच कर दिए हैं, और यहाँ पर मैं बेटा जी क्या कर लेता हूँ, दो हाइड्रोजन अटैच कर लेता हूँ, एक अबव और एक बिलो। ये डाई हेलाइड है और इसे हम कहते हैं जेमिनल डाई हेलाइड्स। कि ये कौन सा डाई हेलाइड है, जेमिनल। इसे अगर आप रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। सपोज हम KOH ले लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो मैंने बताया था जब शराबी KOH आएगा तो वो नलके और टूटियां क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा। तो पहले स्टेप में आपके पास KBr प्लस वाटर। अब कार्बन कार्बन, पहले बेटा हमारे पास सिंगल बॉन्ड था, अब कार्बन कार्बन बन जाएगा डबल बॉन्ड। कि CH डबल बॉन्ड CH, एक के पास BR है और दूसरे के पास H है। अब ये जो है हमारे पास कंपाउंड बना है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कि फर्दर बेटा जी आपके पास सेकंड स्टेप में फिर रिएक्ट करेगा सेम कंडीशन में। क्या आपने लिखा है CH, यहाँ पर H, CH डबल बॉन्ड था, यहाँ पर था BR, आपने दोबारा इसे KOH से रिएक्ट करवाया। कि अल्कोहलिक KOH जो है वो डबल बॉन्ड तक रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेगा बल्कि यहाँ से फर्दर रिएक्शन होगा। तो ये KOH जो है इस HBr को भी रिमूव कर लेगा, क्या बनाएगा KBr, क्या बनाएगा बेटा वाटर। कार्बन कार्बन पहले बेटा कौन सा बॉन्ड था, डबल, अब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो रिजल्ट के तौर पर आपके पास कौन सी चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, अल्काइन। और अल्काइन में ये स्पेसिफिकली हमारे पास क्या है, इथाइन। एक चीज़ बेटा और, यहाँ पर ये जो इतना हमारे पास ग्रुप है जिसे CH2H कहते हैं, जो फर्दर बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखे, इस ग्रुप को हम कहते हैं विनाइल। अगर साथ ब्रोमीन अटैच है तो इसे हो जाना चाहिए विनाइल ब्रोमाइड। यहाँ तक बेटा बात आप लोगों को क्लियर हुई, जी बेटा? यस सर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि मैंने जेमिनल वाला रिएक्शन लिख लिया है, अब मैं विसिनल वाला रिएक्शन जो है वो बेटा यहाँ पर कोट कर लेता हूँ। मैंने लिखा CH3 CH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, एक BR मैंने यहाँ लिख दिया, सेकंड BR मैंने यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर अबव है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास अबव है। अच्छा जी, आप अपनी सहूलत के लिए, क्योंकि आपने डीहाइड्रो हेलोजिनेशन शो कर दी है, तो आप BR और H जो है उसकी पोजीशंस अगर चेंज कर लेंगे
तो आपके लिए ये चीजें रिएक्शन लिखने में काफी आसान रहेंगी कि यहाँ एच, यहाँ वी आर और यहाँ एच। अगर आप बेटा इसे रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक के ओ एच के साथ, यानी के ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, तो बेटा शराबी के ओ एच का मैंने क्या बताया था, उसका काम है नलके और टूटियाँ रिमूव करना। एक स्टेप में वो एक रिमूव करेगा, बना के बी आर, बना वाटर। कार्बन कार्बन बेटा हमने सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट किया था, लेकिन अब कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पर एच है और यहाँ पर बी आर है। अब सेकंड स्टेप में फर्दर रिएक्शन होगा कि CH3 CBr, डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर H एक्सपेंड करके हमने लिखा हुआ है। इसका रिएक्शन बेटा मजीद किसके साथ होगा, KOH, जो भी आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है। KOH इन अल्कोहल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अल्कोहल है, या सोडियम अमाइड इन लिक्विड है, अमोनिया है। तो बेटा ये H और Br यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्या बनेगा बेटा KBr, क्या बनेगा वाटर। अब कार्बन कैप्रन पहले कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड, अब आपके पास कौन सा बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से हमारे पास है जो आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तीन कार्बन है तो हम बेटा वर्ड लिखते हैं इसके लिए प्रो। अच्छा जी, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई एन। तो ये हमारा प्रोडक्ट कौन सा प्रोड्यूस हो गया बेटा, प्रोपाइन। ये बेटा बात यहाँ तक क्लियर हो गई जी बेटा। हाँ एक रिएक्शन हम यहाँ पर और कोट कर लेते हैं। इस रिएक्शन में देखें बेटा, मैं ले रहा हूँ CH3 C C और CH3, एक बी आर मैंने यहाँ पर अटैच किया, एक बी आर यहाँ पर अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन अबव अटैच कर दिया, एक हाइड्रोजन बिलो अटैच कर दिया। अच्छा जी, अब मैं इसे किसके साथ रिएक्ट करवा लेता हूँ, मैं रिएक्ट करवा लेता हूँ सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया -33 -34 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो इसका भी काम क्या है, नलके और टूटियाँ रिमूव करना। तो नलके और टूटियाँ रिमूव होंगी तो 2 टाइम्स NaBr बनेगा, NH2 है तो 2 यूनिट अमोनिया के बनेंगे। मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, तो जब दोनों HBr रिमूव हो जाएंगे तो कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ तक बेटा बात आप लोगों को क्लियर हुई जी बेटा। यस ठीक हो गया, अब हम आ जाते हैं बेटा जी आगे। यहाँ पर एक और रिएक्शन मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने बेटा जी रिएक्टेंट थोड़ा चेंज कर दिया। मैंने लिखा CH3 CH, यहाँ पर भी CL, यहाँ पर भी CL, यहाँ पर H, यहाँ पर H। मैंने बेटा इसे रिएक्ट करवाया किसके साथ है, सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया। टेम्परेचर -33 डिग्री सेल्सियस या -34 इस रेंज में। हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होंगे, 2 यूनिट, 2 टाइम्स NaBr, 2 टाइम्स अमोनिया। और साथ हमारे पास देखें अब यहाँ पर कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक खासियत है कि इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड एक एंड पर प्रेजेंट है, तो ये सिंपल अल्काइन नहीं है बल्कि ये कौन सी है, ये है टर्मिनल अल्काइन। ऐसी अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपके पास एक कार्बनर पर प्रेजेंट है। अगर ऐसा केस हो तो रिएक्शन यहाँ तक स्टॉप नहीं होता, बल्कि सोडियम अमाइड
इन लिक्विड अमोनिया जो है वो इसके साथ फर्दर रिएक्ट करता है, और ये क्यों? सर जी बेटा ये NaBr होगा कि NaCl? हाँ, अगर सी एल है तो फिर CL होगा, बस वो मैं थोड़ा जज्बाती होकर भी यार लिख गया हूँ, बनेगा ये ओके सी सर, बनेगा CL। शाबाश। अच्छा जी, तो यहाँ तक बेटा ये चीज़ हुई। अब इसके केस में आपके पास क्या होगा कि अगर ये केस है तो सोडियम जो है वो बेटा जी आपके पास है, यहाँ पर सेम तरह से आप देखें सोडियम अमाइड है। अब जी जो अमाइड है प्रोटॉन लेकर आपके पास अमोनिया बनाएगा, सोडियम मेटल जो है वो आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ आकर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, 7 NH3 या अमोनिया बनेगा। ये प्रोडक्ट बना साल्ट। ये साल्ट क्यों बना है? क्योंकि मैंने बताया था बेटा लास्ट टाइम कि ये जो टर्मिनल अल्काइन्स होती हैं वो एक्ट करती हैं एज अ स्लाइट एसिड। ये था स्लाइट एसिड, सोडियम अमाइड था स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब स्लाइट एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेटा रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन पर जाकर क्या होगा, स्टॉप होगा, कि जो अल्काइन बनेगी वो बनने के बाद डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगी, कि साल्ट फॉर्मेशन वहां पर हो जाएगी। इतनी बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? जी बेटा जी, ये बात बेटा अंडरस्टैंड कर ली आप लोगों ने? अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, मैंने पूछा है कि यहाँ तक ये जो बात है वो क्लियर हो गई है? जी यस बेटा, जबरदस्त हो गया। तो अब बेटा जी हम आ जाते हैं टर्मिनल अल्काइन जो है उसकी हम एसिडिटी को बेसिकली डिस्कस करना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं एसिडिटी ऑफ टर्मिनल अल्काइन। ऐसी अल्काइन जो एंड पर कॉर्नर पर बांड रखनी है, टर्मिनल अल्काइन, उनकी हम एसिडिटी जो है वो देखना चाहते हैं कि उनमें स्लाइट एसिडिक करेक्टर क्यों आया। अगर हम बात करें बेटा एसिटाइलीन की, जो फर्स्ट मेंबर है, एंड बात करें वन अल्काइन की, कि ऐसी अल्काइन जिसमें ट्रिपल बांड वन पोजीशन पर हो हम इन्हें कहते हैं टर्मिनल अल्काइन्स। एसिटाइलीन के लिए हम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हाइड्रोजन लिखते हैं, और जो टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन है उसमें हम ट्रिपल बॉन्ड को बनाते ही कहाँ पर हैं, फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक हो गया? तो असल में हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को क्या करना चाहते हैं बेटा, डिस्कस करना चाहते हैं, जस्टिफाई करना चाहते हैं कि ये एसिडिक क्यों है। जब बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। sp हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है जो s करेक्टर है वो हो जाता है 50%, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वो आपके पास क्या कर जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है? ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्फेरिकल हो जाता है, ज्यादा स्फेरिकल शेप में आ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। कार्बन अट्रैक्ट, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गली।
कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बेटा गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कि जो हाइड्रोजन है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये हाइड्रोजन हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव, ये कार्बन हो जाता है पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो हाइड्रोजन है जिसे हम टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं, ये रिमूव किया जा सकता है एज अ प्रोटॉन, कैन बी रिमूव्ड एज ए प्रोटॉन, लेकिन इसमें जो कंडीशन ये है, ओनली स्ट्रॉन्ग बेस, कि सिर्फ और सिर्फ बेटा कौन से बेस है, जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वही इसे रिमूव कर सकते हैं, हर सब्सटेंस इसे रिमूव नहीं कर सकता। ये बात बेटा क्लियर हुई? सेम केस जो है वो हमारे पास कहाँ पर आता है, ये जो आपके पास जिसे हम वन अल्काइन्स कहते हैं, इसका जो हाइड्रोजन है उसके साथ भी सेम हमारे पास सिचुएशन होती है कि पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा हो गया है, कि अगर स्ट्रॉन्ग बेस आए, जिसे अगर मैं इस एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करूं, कि आपने लिया एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, आपने इसे रिएक्ट करवाया किसके साथ है, कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे आपने लिया सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया जो -33 डिग्री सेल्सियस पे है, तो बेटा सोडियम अमाइड इन प्रोटॉन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नेगेटिव नेगेटिव, लेफ्ट और राइट पर क्या चीज़ आ जाएगी, सोडियम, 2 यूनिट किसके हो जाएंगे, अमोनिया के। तो अब ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस कर सकता है, ये नहीं कि आपने लिया सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच और आपने इसे रिएक्ट करवा दिया एक नॉर्मल बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो किसी तरह का कोई रिएक्शन है नहीं होगा। रिएक्शन बेटा कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो इस प्रोटॉन को रिमूव करने की एबिलिटी कौन रखता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस, इसके अलावा बाकी नॉर्मल बेस इस प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर होगी बेटा जी बात? जी बेटा, यस सर। चलिए ठीक हो गया। अब इसके लिए बेटा हमारे पास लैब में हम कुछ रिएक्शंस करवाते हैं जिसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम, तो अगर मैं बेटा जी आपके सामने पहले कुछ रिएक्शंस लिखता हूँ, उस रिएक्शंस पे फिर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बेटा मैंने क्या किया, मैंने लिया NH4SOH, इसे हम कहते हैं अमोनिया सॉल्यूशन, या इसे कहते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन, इसे मिक्स किया मैंने AgNO3, तो इतनी चीज को कहते हैं हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बेटा मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, यानी किसके साथ है, टर्मिनल अल्काइन के साथ, टर्मिनल अल्काइन के साथ। तो बेटा टर्मिनल अल्काइन जो है वो एसिडिक एक्शन परफॉर्म करती हैं, तो टर्मिनल अल्काइन्स का जो प्रोटॉन है वो रिमूव होगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो अपना OH देगा, इनके मिलने से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी बेटा, वाटर। अच्छा जी, अब
आपके पास देखें बाकी कौन सी चीज आपके पास बची है। यहाँ पर बचे हैं अमोनियम आयन्स। ये अमोनियम आयन्स नाइट्रेट आयन के साथ मिल जाएंगे और ये बनाएंगे NH4NO3। बाकी आप देखें आपके पास कौन सी चीज बच गई है। बाकी बचा है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Ag पॉजिटिव इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अच्छा जी, तो रिएक्शन बेटा बहुत हमारे पास क्या है, सिंपल है कि आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लिया, टर्मिनल अल्काइन से रिएक्ट करवाया, आपके पास क्या हुआ, आपके पास वाटर प्रोड्यूस हो गया, आपके पास एक अमोनिया का साल्ट बना और एक सिल्वर का। सिल्वर जो है वो आपके टर्मिनल अल्काइन के साथ जाकर क्या हो गया है, अटैच हो गया है। इस कंपाउंड को अगर मैं बेटा नेम दूं तो इस कंपाउंड का नेम आपके पास बनता है सिल्वर। अच्छा जी, तीन कार्बन है तो हम वर्ड लिखते हैं प्रोप। अच्छा जी, प्रोप लिख दिया, YN शो करता है ट्रिपल बॉन्ड को और IDE इसके साल्ट को एक्सप्रेस करता है, तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं सल्फर प्रोपेनाइड। ये हमारे पास एक क्या बन गया है, ये बन गया है साल्ट। अच्छा जी, हमारे पास हमने क्या बना लिया, साल्ट। एक रिएक्शन बेटा जी पहले मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ। मैंने लिखा बेटा जी NH4OH, इसके साथ मैंने लिया Cu2Cl2, इसे कहते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसे क्या कहा जाता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसे जब आप रिएक्ट करवाते हैं, सपोज मैं कहता हूँ हम सिंपलेस्ट मेंबर ले लेते हैं एसीटाइलीन, तो बेटा बड़ा सिंपल रिएक्शन हमारे पास होता है। एसीटाइलीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं, एक लेफ्ट पे और एक राइट से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूनिट 2 इस्तेमाल होंगे। ये 2 प्रोटॉन्स और 2 OH मिलकर कितने वाटर प्रोड्यूस कर देंगे, 2 वाटर। बाकी देखिए बेटा क्या है, ये जो अमोनिया है आपके पास वो किससे मिलेगा, Cl से, और वो क्या बना देगा, वो बना देगा अमोनियम क्लोराइड और इसके यूनिट कितने प्रोड्यूस होंगे, 2। बाकी देखें आपके पास क्या चीज़ बची है, बाकी बचा है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी, इस तरफ भी Cu+ आकर अटैच हो जाएगा, इस तरफ भी Cu+ आकर अटैच हो जाएगा। इसमें सिल्वर कॉपर 2 आ गए, एक लेफ्ट पे और एक राइट पे, तो इसको फिर बेटा हम नेम क्या देते हैं, इसे कहते हैं डाई कॉपर। एक की बजाय 2 कॉपर अटैच हैं। एसीटाइलीन का जो साल्ट है उसे कहते हैं एसीटालाइट। एसीटाइलीन से अगर बनेगा तो बेटा हम उसे क्या कहेंगे, एसीटालाइट्स। ये बेटा बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुई जी। यस सर, अब देखें बात बेटा बड़ी सिंपल है, देखने में लगता है जैसे बहुत लंबा चौड़ा आपके पास रिएक्शन है, लेकिन एक दफा आप ध्यान से समझ लें तो आप हमेशा के लिए इसे याद रख सकते हैं। अब देखें हमें पता है बेटा जी, लैब के अंदर गैस को स्टोर करना डिफिकल्ट काम है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स इसके लिए रिक्वायर्ड हैं। हमें पता है ये जो एसीटाइलीन है ये बेटा हमारे पास क्या है, गैस है जिसकी स्टोरेज डिफिकल्ट है, तो हम एसीटाइलीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, उसके साल्ट के अंदर। अब हमें पता है कि साल्ट को लैब में हम किसी भी जार के अंदर आसानी से रख सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड है। अच्छा जी, तो एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है कि एसीटाइलीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, हाउ कैन यू स्टोर दिस गैस इन अ लैब, कि आप इस गैस को लैब में कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसका साल्ट बनाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे स्टोर कर सकते हैं।
अब आपने इसे स्टोर कर लिया, अब आपको जरूरत पड़ी है तो आप इसे रीजनरेट कर सकते हैं। अब रीजनरेशन इसकी बहुत सिंपल है कि हम इसे रीजनरेट कर सकते हैं वापस किसके अंदर, गैस के अंदर। अब रीजनरेशन का जो रिएक्शन है वो बेटा डिस्कस करके हम इसको खत्म कर देंगे। तो रीजनरेशन बेटा है बड़ी सिंपल, आपके पास एसिटाइलीन का, मैं कहता हूँ कॉपर साल्ट प्रेजेंट है, डाई कॉपर एसिटालाइड, आपने इसे H2SO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाना है। तो बेटा दोनों प्रोटॉन्स क्या करेंगे, कॉपर को रिप्लेस कर देंगे, आपके पास कौन सी गैस बनेगी, एसिटाइलीन, और बेटा आपके पास क्या बनेगा, CO2SO4। अच्छा जी, आप कहें कि ये साल्ट नहीं था, आपके पास साल्ट था सिल्वर का, यानी Ag पॉजिटिव था दोनों तरफ, आप इसे आपने डल्यूट HNO3 से रिएक्ट करवाया, कोई बात नहीं, तो तब आपके पास क्या होगा कि एसिटाइलीन तो बनेगी, साथ जो है वो AgNO3, इसके 2 units क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हो गई? जी बेटा, यस सर। अच्छा जी, अब बेटा जी इस रिएक्शंस को, ये जो हमने पढ़े हैं लैब के अंदर, इन रिएक्शंस को सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स, इन्हें यूज किया जाता है। इन पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम यूज करते हैं आइसोलेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स के लिए, सेपरेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन्स के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, ये दिखा देता हूँ बेटा, ये देख लें, अच्छा जी। अब यहाँ पर देखें, इसे आप सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, आइसोलेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, डिटेक्शन के लिए, इसकी टर्मिनल अल्काइन्स की फ्रॉम नॉन टर्मिनल या अदर कंपाउंड से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी दिया जा सकता है कि एसिटाइलीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर, हाउ कैन यू स्टोर दिस गैस इन लैब, ऑल्सो आपके पास गिव द मेथड फॉर रीजनरेशन ऑफ अ गैस। तो फिर आपने पहले साल्ट फॉर्मेशन बताएंगे और बताएंगे साल्ट स्टोरेज आसान है, फिर बताएंगे साल्ट को रीकन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा बात यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई? यस सर। चलें बेटा, ये जबरदस्त हो गया, तो आज बात हम यहाँ तक खत्म करते हैं। पिछली क्लास तक के लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपका बेटा टेस्ट जो है वो मैं सैटरडे को अब आपका लूंगा, और सैटरडे को जो टेस्ट है उसमें अल्काइंस के रिएक्शंस तक जो मैंने कल पढ़ाने हैं वो शामिल होंगे। आपका टेस्ट सैटरडे को होगा, ठीक है बेटा? ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।